ओके सो आज हम लोग थोड़े प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। थियोरिटिकल सेक्शन बहुत ज़्यादा है यूनिक्स में जो हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल आता होगा तो थियोरी कंपैरेटिवली समझना ईजी होगा आपके लिए। सो नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ कमांड लाइन स्ट्रक्चर, यूनिक्स कमांड लाइन स्ट्रक्चर। ये एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछ चुके हैं, एक दो ने काफ़ी ज़्यादा बार, मतलब यू समझो कि हर दूसरे पेपर, हर मतलब तीन में से दो पेपर में अगर आप देखोगे तो यूनिक्स कमांड लाइन स्ट्रक्चर इन यूनिक्स या यूनिक्स कमांड लाइन, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, सभी का एक ही आंसर है दैट इज व्हाट इज यूनिक्स कमांड लाइन स्ट्रक्चर। यही आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज एक्चुअली यूनिक्स कमांड लाइन स्ट्रक्चर। अभी कमांड लाइन स्ट्रक्चर समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ अ यूनिक्स कमांड, एक कमांड क्या होती है एक्चुअली, ठीक है। वी हैव टू थिंक या वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ कमांड। तो एक्चुअली अगर एक कमांड क्या होती है, यू आर स्पेसिफाइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू समथिंग या यू आर स्पेसिफाइंग यूनिक्स टू डू अ समथिंग, कि कमांड स्पेसिफाइज द सिस्टम टू डू अ टास्क, ठीक है, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए बोलता है कोई कमांड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अगर बताऊँ तो लेट अस डायरेक्टली गो टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल, ठीक है। सो अभी मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे टीवाई लेक्चर्स में यूनिक्स के अंदर एक फोल्डर में हूँ। मेरा पाथ क्या है देखो, आप देख सकते हो डेस्कटॉप के अंदर टीवाई लेक्चर्स नाम का एक फोल्डर, उसके अंदर यूनिक्स नाम के मैं एक फोल्डर में हूँ। तो लेट अस गो टू द टीवाई लेक्चर्स यूनिक्स, ठीक है। यू कैन सी दिस फोल्डर इज कम्प्लीटली एम्प्टी दिस डायरेक्टरी। एक चीज़ याद रखना, यूनिक्स में वी कैन कॉल फोल्डर इज इक्वल्स टू डायरेक्टरी। फोल्डर और डायरेक्टरी दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप विंडोज में फोल्डर बोलते हो, यूनिक्स में उसको डायरेक्टरी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। वाइस वर्सा दे कैन बी यूज फॉर ईच अदर। नाउ अगर आप देखोगे तो मुझे देखना है अभी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से तो आप जाके देख सकते हो डायरेक्टली कि भाई ये पूरा फोल्डर एम्प्टी है, इसमें कोई भी फाइल एक्चुअली नहीं है। लेकिन अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट में देखना है, यानी आपको यहाँ पे इस जो आपका कमांड खुला है इसके ऊपर आपको चेक करना है कि मेरे कितनी फाइल्स या कौन कौन सी फाइल है हमारे पर्टिकुलर इस करंट डायरेक्टरी में, तो हम लोग बना सकते हैं, एक कमांड यूज़ कर सकते हैं ls, ठीक है। तो ls shows here we have nothing, let us create a directory। आप कमांड लाइन से भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो और आप यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करके भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसका नाम देता हूँ डेमो डी आई आर, डेमो डायरेक्टरी नाम दे देता हूँ। एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, टेक्स्ट फाइल डेमो फाइल, ठीक है। सो नाउ आई एम हैविंग टू डिफरेंट थिंग्स, एक डायरेक्टरी है और एक फाइल है मेरे इस फोल्डर में। अब मुझे देखना है फिर से एक बार कि मेरी फोल्डर के अंदर या मेरी डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज प्रेजेंट है। तो मैं फिर से टाइप करूँगा ls, ठीक है। नाउ इट कैन बी सीइंग कि तुम्हारे पास दो फाइल है, एक क्या है डेमो डायरेक्टरी है और एक क्या है डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी है, ठीक है। एक क्या है आपकी डेमो डायरेक्टरी है और एक डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी है आपके इस करंट फोल्डर में। सो ये ls कमांड देखो, जैसे हम लोगों ने ls कमांड टाइप किया तो ls कमांड क्या बोल रहा है हमारे सिस्टम को कि भाई शो अस द लिस्ट ऑफ फाइल इन गिवन डायरेक्टरी, ठीक है। ls कमांड सिस्टम क्या बोल रहा है, शो अस द लिस्ट, गिव अस द लिस्ट ऑफ अ फाइल प्रेजेंट इन द गिवन डायरेक्टरी। एक जो डायरेक्टरी में दे रहा हूँ आपको, उस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स है मुझे डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। इवन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि एनीथिंग एवरीथिंग इन यूनिक्स इज ट्रीटेड एज अ फाइल, इवन जो आपकी डायरेक्टरी है यानी आपका जो फोल्डर है इसको भी यूनिक्स एज अ फाइल ट्रीट करता है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। कैसे, क्यों, उसका सिस्टम मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अब एक चीज़ मैं कहता हूँ, डेमो डायरेक्टरी के अंदर जाके एक दो फाइल बना देते हैं F1 और लेट अस क्रिएट अ फाइल F2। मैंने क्या किया, F1 और F2 नाम के दो फाइल्स क्रिएट कर दी, लेकिन कहाँ, डेमो डायरेक्टरी के अंदर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये ls हमको देता है लिस्ट, ls शोज अस द लिस्ट ऑफ द फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी या जो भी गिवन डायरेक्टरी है। आपने यहाँ पे जो डायरेक्टरी का नाम प्रोवाइड करोगे इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल ls आपको वो प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ लाइक अ कमांड, दिस इज़ लाइक अ कमांड कि भैया मैं किसी फोल्डर का नाम दे रहा हूँ उसके अंदर भी मुझे फाइल्स डिस्प्ले कर दो ना। ये एक टास्क हो गया ना कि भाई मैंने एक टास्क असाइन किया कि एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर से सारी फाइल की लिस्ट लेके आओ। सो दिस इज़ अ टास्क, दिस इज़ अ कमांड। सो ls इज़ अ कमांड ओवर हियर। अब देखो आप बोल रहे हो कि सर आपने बोला कि
पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स हमको चाहिए। अब आपने क्या बोला कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स हमको चाहिए, लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ पे कोई डायरेक्टरी स्पेसिफाई नहीं की, ठीक है। हाँ तो चलो भैया मैं डेमो डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर देता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे डेमो और डायरेक्टरी दोनों को अलग अलग क्रिएट करेगा। सो अगर आप का जो नाम है उसके अंदर स्पेस आता है तो उसको सिंगल कोट्स के अंदर दे दो, ls सिंगल कोट्स डेमो डायरेक्टरी। सो देखो डेमो डायरेक्टरी के अंदर क्या है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी और फाइल टू डॉट टी एक्स टी, यानी यहाँ पर मैंने एक डायरेक्टरी प्रोवाइड की, यहाँ पर मैं डायरेक्टरी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि डेमो डायरेक्टरी नाम की डायरेक्टरी के अंदर मुझे सारे की सारी लिस्ट चाहिए फाइल्स की, तो मैं उसका नाम भी दे सकता हूँ। अगर एक आपकी जो डायरेक्टरी है उसका सिंगल अगर उसके अंदर स्पेसिस नहीं आते, सपोज माई डी आई आर इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो मैं एल एस माई डी आई आर डायरेक्टली लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से होता माई लेट मी क्लियर, अगर आपको ये स्क्रीन क्लियर कर दो तो क्लियर कमांड सीधा लिख दे रही है, ठीक है। अभी देखता हूँ एल एस माई स्पेस डी आई आर होता तो माई स्पेस डी आई आर नाम की अगर डायरेक्टरी होती तो एक ही डायरेक्टरी माई स्पेस डायरेक्टरी, तो यहाँ पे आपको क्या सिंगल कोड लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोड लिखना पड़ेगा, तो ये माई स्पेस डायरेक्टरी वाली को एक सिंगल फाइल कंसिडर करेगा, नहीं तो ये क्या करेगा माई डायरेक्टरी अलग कंसिडर करेगा, माई नाम की एक डायरेक्टरी अलग है, एल एस को क्या लगेगा कि माई नाम की डायरेक्टरी एक अलग है और डी आई आर नाम की डायरेक्टरी अलग है, तो ये दो अलग अलग डायरेक्टरीज में जाके सर्च करेगा, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो एल एस को कोई डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो, किसी फोल्डर का नाम दे सकते हो कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर में से इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, इस पर्टिकुलर फोल्डर की फाइल चाहिए, तो मैं बोलता हूँ एल एस माई डी आई आर, तो ये मुझे इस माई डी आई आर की डेटा देगा। मैं बोलता हूँ डेमो डी आई आर, अब डेमो डी आई आर एक ही वर्ड है लेकिन स्पेस आता तो सिंगल कोट में लिख देते। सो अब डेमो डी आई आर के अंदर से हमको फाइल्स दे रहा है कि एफ वन और एफ टू है, मेरे पास दो फाइल्स है, ठीक है। सो लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है, आपने एल एस के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, देखो दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट ना, माई डी आई आर डेमो डी आई आर वो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, तो अभी हम लोगों ने कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए, तो एल एस क्या करेगा, जो करंट डायरेक्टरी में आप हो, जिस भी करंट डायरेक्टरी में आप हो, उस करंट डायरेक्टरी का डेटा आपको दे देगा, यानी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल्स है, एल एस आपको डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि अगर आप देखो तो मैंने अभी मैं अंदर कहाँ पर हूँ, मैं टी वाई लेक्चर्स डेस्कटॉप के अंदर, टी वाई लेक्चर्स के अंदर यूनिक्स में हूँ, तो मैं डेस्कटॉप के अंदर टी वाई लेक्चर्स के अंदर यूनिक्स के अंदर देखो मेरी कौन सी फाइल है, डेमो डायरेक्टरी माई डायरेक्टरी और डेमो फाइल, तो डेमो डायरेक्टरी डेमो फाइल एंड माई डायरेक्टरी आ गया, सिंपल। सो दिस इज हाउ कमांड वर्क्स, ये कमांड आपको टास्क परफॉर्म करने के लिए दो, कि आप कुछ आपको कोई टास्क परफॉर्म करवाना है सिस्टम के थ्रू या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो आप कोई कमांड का सहारा ले सकते हो, ठीक है। कमांड का सहारा लेने से क्या होगा कि वो टास्क ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाएगा, यू डोंट नीड टू मैन्युअली परफॉर्म दोज टास्क। सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू वॉट कमांड एक्चुअली इज। अब देखते हैं कि वॉट इज कमांड लाइन स्ट्रक्चर। अब इन कमांड को लिखने का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यू कैन कंसिडर, जैसे कि सिंटैक्स होता है ना लैंग्वेज में कि भैया इस तरह से लिखना होता है, तो उस तरह से यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर है, कमांड लाइन का क्या है स्ट्रक्चर है। कि भाई अगर आपको कोई कमांड लिखनी है तो आप किस तरह से लिख सकते हो, किस फॉर्मेट में लिख सकते हो। सो दिस कमांड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले नेम ऑफ द कमांड, पहले आपको क्या लिखना होता है नेम ऑफ द कमांड, फिर माइनस ऑप्शंस, सॉरी देन आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप कोई भी कमांड लिख रहे हो तो उसके अंदर बेसिकली तीन पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट है नेम ऑफ द कमांड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, नेम ऑफ द कमांड, यानी आपको क्या कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है। हर कमांड का कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होगा, तो आपको जो टास्क परफॉर्म करना है तो आप उस टास्क के साथ एसोसिएटेड एक कमांड होगा, उस कमांड का नाम लिख दो। जैसे कि अगर मुझे डायरेक्टरी में से फाइल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी की सारी फाइल्स चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, ये एक टास्क हो गया, इसके साथ एसोसिएटेड कौन सी कमांड है, एलएस कमांड, ठीक है। तो मैंने एलएस कमांड टाइप कर दी। नाउ देयर आर आर्ग्यूमेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है तो आप क्या करोगे, उसके एसोसिएटेड कमांड टाइप कर दोगे। जैसे कि मुझे लिस्ट चाहिए तो मैं एलएस टाइप कर रहा हूँ, देन यू हैव आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो भाई किस चीज़ों पे या किस
आपको डायरेक्टरी या फाइल के ऊपर काम करवाना है, ठीक है? आपको किन चीज़ों पे काम करवाना है, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। तो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट्स आर ऑन व्हाट द टास्क इज टू बी परफॉर्म। On what resource, किस रिसोर्स पे आपको टास्क परफॉर्म करना है, वो हो गया आपका क्या, आर्ग्यूमेंट हो गया। किस रिसोर्स पे आपको टास्क परफॉर्म करना है, वो क्या हो गया आपका, आर्ग्यूमेंट हो गया। नाउ तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे एलएस देखते हो, जैसे लेट मी क्लियर, अगर मैं एलएस सिंपल प्रेस कर रहा हूँ तो ये एलएस किसके ऊपर वर्क कर रहा है, हमारी करंट डायरेक्टरी पे, यानी जिस डायरेक्टरी में हम लोग प्रेजेंट है उस डायरेक्टरी के ऊपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट क्या हो गया आपका, करंट डायरेक्टरी। फिर आप बोलते हो कि मुझे डेमो डायरेक्टरी के अंदर का डेटा देखना है, तो मैं लिखता हूँ डेमो डी आई आर, मैंने क्या किया डेमो डायरेक्टरी लिख दी। तो अब एलएस जिस भी चीज़ पे टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक्चुअली जिस चीज़ पे टास्क परफॉर्म करना है, जिस रिसोर्स पे टास्क परफॉर्म करना है, वो क्या हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अभी मुझे ना करंट डायरेक्टरी पे टास्क परफॉर्म नहीं करना, मुझे डेमो डायरेक्टरी के ऊपर टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो डेमो डायरेक्टरी हो गई, ये क्या हो गया आपका आर्ग्यूमेंट, डेमो डायरेक्टरी क्या हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई। अब एक काम करता हूँ, डी आई आर के अंदर जाके भी एक फाइल बना देता हूँ, न्यू फाइल। सो अब कोई भी कमांड बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स पे चलता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर कमांड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करे, कुछ कमांड्स आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, या आप नहीं एक आर्ग्यूमेंट दो तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एलएस को आर्ग्यूमेंट दे भी सकता हूँ, और मैं आर्ग्यूमेंट एलएस को नहीं दूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भी ले लेगा। कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो जितने हम लोग कमांड्स पढ़ेंगे, बहुत सारे कमांड्स पढ़ने वाले, हम लोग को धीरे धीरे देखेंगे किस कमांड के कौन से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? सो आई होप कि आर्ग्यूमेंट्स क्लियर हुए होंगे। नाउ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, कुछ कमांड्स ऐसी होगी जो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगी, और कुछ कमांड ऐसी हो सकती है जो एक टाइम पे एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकती है। कुछ कमांड्स ऐसी होगी जो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगी, कुछ कमांड ऐसी हो सकती है जो एक साथ पे एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एलएस, तो फिलहाल मैंने एक कमांड दिया डेमो डी आई आर, मैं देखता हूँ माई डी आई आर, मैं इसको एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। देखो तो अब मैं एलएस को, मैं कंप्यूटर को क्या कमांड दे रहा हूँ, मैं सिस्टम को क्या कमांड दे रहा हूँ कि मुझे लिस्ट चाहिए फाइल्स की, कहाँ से, डेमो डायरेक्टरी और माई डायरेक्टरी, यानी मैं इस बार एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी दे रहा हूँ एलएस को। तो देखो यहाँ पे बताएगा कि भाई डेमो डायरेक्टरी के अंदर फाइल वन फाइल टू है, और माई डायरेक्टरी के अंदर न्यू फाइल नाम की फाइल है। सो यहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किए, और तो अगेन एक से ज़्यादा, कुछ कमांड इससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो डिपेंड्स ऑन द कमांड्स, कमांड ऐसा जरूरी नहीं है, हार्ड कोडेड रूल नहीं है कि सारी कमांड जिससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकती है, या ऐसा नहीं कि सारी कमांड सिर्फ सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द कमांड। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑप्शन इज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑप्शन इज। तो ऑप्शन क्या होता है, देखो जनरली कि एलएस का काम क्या, किसी कमांड का जो बेसिक टास्क है उससे थोड़ा सा डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना, या उस टास्क में कुछ मॉडिफिकेशन करना, या उस टास्क में कुछ एडवांसमेंट करना, ये किसका काम है, किसी भी क्लास, किसी भी कमांड के ऑप्शन का काम है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एलएस का काम क्या है भाई, मुझे डायरेक्टरीज की लिस्ट चाहिए, फाइल्स की लिस्ट चाहिए इस करंट डायरेक्टरी में। एलएस क्या है, मुझे किसी डायरेक्टरी में फाइल्स की लिस्ट चाहिए। अब मैं आर्ग्यूमेंट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल डेमो डी आई आर, we have seen this, this is argument. तो you can see कि F1 और F2 है। अब LS का काम क्या है भाई, लिस्ट परफॉर्म करता, लिस्ट करवाना फाइल्स को। LS का काम क्या है, लिस्ट परफॉर्म करवाना। तो मैं चाहूँ तो इस काम को थोड़ा सा एडवांस कर सकता हूँ, थोड़ा चेंज कर सकता हूँ जो इसका आउटपुट आ रहा है। तो मैं लिखता हूँ LS माइनस R। तो देखो आउटपुट तो इसमें भी आया, लेकिन क्या है, रिवर्स ऑर्डर में आया। पहले आउटपुट क्या रहता है, फाइल F1 एंड F2, यहाँ पे F2 पहले आया और F1 पहले, यानी टास्क तो अभी भी LS ने वही परफॉर्म किया। टास्क तो क्या, अभी भी LS ने टास्क अपना ही टास्क परफॉर्म किया। क्या टास्क था LS का, कि भाई फाइल लिस्ट करवाना। तो LS ने अभी भी फाइल लिस्ट करवाई, लेकिन क्या हो गया, जो उसका बेसिक टास्क था उससे थोड़ा सा
डिफरेंट उसने टास्क परफॉर्म किया, जैसे कि पहले F1 और F2 आ रहा था, अब F2 और F1 आ रहा है। सो नाउ रिवर्स में अभी डेटा आ रहा है, तो किसके थ्रू? भाई ऑप्शन के थ्रू। किसके थ्रू आ रहा है? ऑप्शन। तो ऑप्शंस क्या करते हैं कि आपको हेल्प आउट करते हैं बेसिक टास्क से थोड़ा सा एडवांस काम करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एडवांस काम क्या था कि भाई रिवर्स ऑर्डर में मुझे आउटपुट चाहिए, जो भी आउटपुट आता उसका रिवर्स ऑर्डर मुझे करके दो। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ LR-LS-L, तो माइनस एल क्या इन्फॉर्मेशन देगा आपको? डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। अगेन देखो, लिस्टिंग ऑफ फाइल तो हो ही रहा है, लिस्टिंग ऑफ फाइल तो अभी भी हो रहा है कि भाई F1 और F2 है, लेकिन डिटेल में लिस्ट आ रही है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही है। अभी इन प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग नहीं जा रहे कि ये प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली क्या है, इस पर हम लोग फिलहाल नहीं जा रहे, ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ने वाले। तो अभी लेकिन एक चीज़ समझो इतना कि इसकी क्रिएटेड डेट वगैरह के साथ उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे रहा है मुझे LS-L। LS का काम तो हो ही रहा है भाई, फाइल लिस्ट करना, अब फाइल लिस्ट हो गई F1 और F2, लेकिन माइनस एल क्या बोल रहा है कि मुझे डिटेल्ड लिस्ट चाहिए। माइनस एल क्या बोल रहा है? मुझे डिटेल्ड लिस्ट चाहिए। तो देखो, लिस्ट तो आ रही है लेकिन एकदम डिटेल्ड लिस्ट आ रही है। सो दिस इज ऑप्शन। ऑप्शन क्या करता है? आपके किसी नॉर्मल टास्क को थोड़ा सा और डिटेल्ड लेवल पे लेकर अगर आपको जाना है तो आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ याद रखना, ऑप्शंस के आगे हमेशा माइनस लगाते हैं। ऑप्शंस के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? हमेशा माइनस लगाते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के आगे कभी भी हम माइनस नहीं लगाते। अगर किसी भी जनरली, ये भी कोई हार्ड कोडेड रूल नहीं है कि आप हर ऑप्शन के आगे माइनस लगाओ, तो लेकिन मोस्ट ऑफ 90% केसेस में आप किसी भी कमांड के ऑप्शन यूज़ करोगे तो उसके आगे माइनस लगाओगे। क्यों माइनस लगाना है? तो भाई पता लगना चाहिए ना कि ये जो ऑप्शन है, ये जो आप लिख रहे हो, ये ऑप्शन है, आर्ग्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एल नाम की डायरेक्टरी बना देता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे यूनिक्स नाम में गया, यहाँ पे मैं डायरेक्टरी बना देता हूँ एल। सो अभी आप देखो, क्लियर कर देता हूँ, LS-L और L, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम भी L है और आपके ऑप्शन का नाम भी L है। तो इसमें कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर आप माइनस नहीं लिखोगे तो। तो अभी L और L दोनों को आपका सिस्टम क्या समझेगा कि भाई दोनों ही क्या है? आर्ग्यूमेंट है। तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन आर्ग्यूमेंट एंड एन ऑप्शन, वी राइट माइनस बिफोर एन ऑप्शन। तो हम लोग डिफरेंशिएट करना है हमको कि आर्ग्यूमेंट्स और ऑप्शन के, कौन सा आर्ग्यूमेंट और कौन सा ऑप्शन है किसी कमांड में, तो हम लोग बताते हैं माइनस के थ्रू। माइनस लिख दिया तो सिस्टम को पता चल रहा है कि भाई दिस इज एन ऑप्शन, डोंट कंसिडर इट एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो मोस्टली 90-95% केसेस में हर ऑप्शन के आगे माइनस होगा। कुछ इक्का दुक्का ही ऐसी कमांड्स आपके सामने आएगी जिनके अंदर आप माइनस नहीं लिखोगे तो चलेगा या नहीं लिखना है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो, डेमो डी आई आर और माई डी आई आर, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो किसी भी कमांड में। ठीक है, तो उस तरह से आप मल्टीपल ऑप्शंस भी दे सकते हो। देखो अभी अगर मैं सिर्फ माइनस एल लिखता हूँ तो दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ द ऑप्शन, मैंने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया माइनस एल, तो F1 और F2 सीक्वेंस ये, अब मुझे सीक्वेंस रिवर्स भी करना है तो मैं माइनस आर लिखूंगा, तो इसमें सीक्वेंस रिवर्स हो रहा है लेकिन डिटेल लिस्ट नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, माइनस आर माइनस एल दोनों यूज़ कर लूँगा। तो अब देखो डिटेल इन्फॉर्मेशन आई लेकिन सीक्वेंस रिवर्स आया, पहले F2 आया फिर F1 आया। जनरली अगर आप माइनस आर नहीं लिख रहे तो पहले F1 आता है फिर F2 आता है, लेकिन मुझे रिवर्स ऑर्डर चाहिए तो रिवर्स ऑर्डर के लिए मैं क्या लिखता हूँ, माइनस आर। तो आपने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किया। अब देखो ये माइनस एल पहले लिखो या माइनस आर पहले लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट तो सेम ही आने वाला है। हाँ, बस ये कि आपने माइनस एल और माइनस आर दो ऑप्शन एक साथ में यूज़ किए, दो ऑप्शन एक साथ में यूज़ करने से क्या हुआ, जो दोनों का आपका टास्क था दोनों का टास्क परफॉर्म हुआ। यानी LS तो हुई, LS क्या कर रहा है कि लिस्टिंग कर रहा है, माइनस L क्या कर रहा है डिटेल ऑर्डर में लिस्टिंग लेकर आ रहा है, लेकिन माइनस R क्या कर रहा है, जो भी आउटपुट आएगा उसका रिवर्स कर देगा, उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देगा। तो इस बार मैंने क्या किया, दो ऑप्शन एक साथ में यूज़ किए LS के। अब आप चाहो तो दो ऑप्शन और दो आर्ग्यूमेंट्स भी यूज़ करो। तो मैंने इस बार क्या यूज़ किया, दो ऑप्शन भी यूज़ किए और दो आर्ग्यूमेंट्स भी यूज़ किए। यानी यू कैन यूज़ मल्टीपल ऑप्शंस विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एज वेल। आप मल्टीपल ऑप्शंस भी लिख सकते हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी लिख सकते हो और मल्टीपल ऑप्शंस एंड मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ जो दिस वॉज द कमांड लाइन स्ट्रक्चर, एक लास्ट चीज़ जो बाकी है,
अगर आप चाहो तो माइनस एल माइनस आर लिखना है, तो एक बार माइनस लिख दो और एल आर साथ में लिख दो, माइनस एल आर, तो इसका आउटपुट एल एस माइनस एल आर और एल एस माइनस एल स्पेस माइनस आर, इसका आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। तो यू कैन क्लब द ऑप्शन इन अ सिंगल माइनस इट्सेल्फ, यू कैन क्लब द ऑप्शन इन द सिंगल माइनस इट्सेल्फ, बट एक प्रॉब्लम है कि ये चीज़ सिंगल सिंगल जब सिंगल कैरेक्टर के ऑप्शन है तब तो चलेगी, बट आपके ऑप्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए ना, माइनस एल डब्ल्यू या हो सकता है माइनस ए बी सी, जब एक से ज़्यादा वर्ड कंबाइन होके आपका जब एक सिंगल ऑप्शन बनेगा तब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है ये वाला सिंटैक्स। सो दिस इज द स्टैंडर्ड सिंटैक्स वे विच एवरी कमांड अंडरस्टैंड, विच एवरी सिस्टम अंडरस्टैंड, सो वी विल बी फॉलोइंग दिस सिस्टम इट्सेल्फ। ये तो सिर्फ बताने के लिए कि आप ऑप्शंस को एक साथ में क्लब कर सकते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड वर्जन, सो वी विल बी यूजिंग द स्टैंडर्ड वर्जन थ्रू आउट। ओके, सो आई होप कि बेसिक कमांड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स पता चला होगा। ये टोटल चार या दो मार्क्स, बेसिकली चार या पाँच मार्क्स के अंदर पूछने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, 66% पेपर्स में समझो ये पूछेंगे ही। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी सम बेसिक कमांड्स। आज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स नहीं देखेंगे, सिर्फ सिंपल सिंपल बेसिक कमांड्स देखेंगे, सो थोड़ा कमांड से फेमिलियरिटी आए। चलो, सो द फर्स्ट कमांड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टीटीवाई, टेलीटाइप। टीटीवाई यानी टेलीटाइप, टर्मिनल। ये क्या देगी आपको? टर्मिनल की इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है। ये क्या दे रही है आपको? एक टर्मिनल इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब एक चीज़ याद रखना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई कि एवरीथिंग इन यूनिक्स इज ट्रीटेड एज अ फाइल, ठीक है। एवरीथिंग इन यूनिक्स इज ट्रीटेड एज अ फाइल, तो यानी ये जो आपका ब्लैक स्क्रीन है, दिस इज़ अ टर्मिनल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ टर्मिनल। तो ये जो टर्मिनल है, इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो किसी ना किसी फाइल में स्टोर हो रही है, इसीलिए इस टर्मिनल को भी हम एज अ फाइल कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टर्मिनल है करेंटली आपने जो ओपन करके रखा है, इस टर्मिनल की भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो किसी ना किसी फाइल में स्टोर हो रही है। तो TTY आपको क्या देता है? उस फाइल का पाथ देता है। तो भाई आप /dev/pty0 में अगर आप जाओगे तो ये जो फाइल है, एक पर्टिकुलर फोल्डर डायरेक्टरी है DEV, उसके अंदर PTY0 नाम की एक फाइल है जिसके अंदर आपकी ये जो फिलहाल करंट डायरेक्टरी है इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक है। अब याद रखना, अगर आप सपोज मैं एक और गिट बैश खोल देता हूँ, मैंने दो गिट बैश खोल दिए, देखो एक गिट बैश ये रहा, ये हमारा फर्स्ट गिट बैश है और ये हमारा सेकेंडरी गिट बैश है। एक चीज़ याद रखना, तो अगर आप एक से ज़्यादा टर्मिनल ओपन करते हो, एक से ज़्यादा टर्मिनल्स आप ओपन करते हो, अभी आपका हर टर्मिनल की इन्फॉर्मेशन अलग अलग फाइल में स्टोर होगी। देखो यहाँ पे पहला जो हमारा ये करंट टर्मिनल है, इसकी इन्फॉर्मेशन PTY0 में स्टोर हो रही है और इसकी PTY1 में स्टोर हो रही है इन्फॉर्मेशन। अगर मैं एक और टर्मिनल ओपन कर देता हूँ तो अब मैं फिर से TTY प्रेस करता हूँ, देखो तो ये जो फाइल है इसकी इन्फॉर्मेशन किसी PTY2 में स्टोर हो रही है। अपनी PTY फर्स्ट टर्मिनल की इन्फॉर्मेशन PTY0, सेकेंड टर्मिनल की PTY1, थर्ड टर्मिनल की PTY2। तो जितने भी टर्मिनल आप खोलो, हर टर्मिनल की इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट फाइल में स्टोर होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही सारे टर्मिनल्स की इन्फॉर्मेशन एक ही फाइल में स्टोर हो, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। अभी एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने सारे टर्मिनल्स बंद कर दिए, ये टर्मिनल की जो इन्फॉर्मेशन, ये जो टर्मिनल फाइल है, ये हमेशा यूनिक होगी एट करंट इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन टर्मिनल ओपन किए, तो पहले टर्मिनल को अगर PTY1 मिला, फिर दूसरे टर्मिनल को PTY2 मिला और तीसरे टर्मिनल को PTY3 मिला, तो अगर आप कोई भी नया टर्मिनल ओपन करोगे या कितने भी नए टर्मिनल ओपन करो, PTY1, PTY2, PTY3 किन्हीं टर्मिनल्स को नहीं मिलेगा। सबके जो फाइल होगी, फाइल नेम होगी, वो यूनिक होगे। सबके फाइल नेम क्या होगा? यूनिक होगे करंट इंस्टेंस पे। लेकिन अगर आपने सारे टर्मिनल्स बंद कर दिए, जैसे कि अभी मैंने सारे टर्मिनल्स बंद कर दिए, अब मैं फिर से टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने फिर से टर्मिनल ओपन किया, देखो अब दो टर्मिनल ओपन है। अब मैंने क्या बोला था? एक टाइम पर किन्हीं भी दो टर्मिनल की इन्फॉर्मेशन की फाइल सेम नहीं हो सकती, यानी PTY0 मेरे इस टर्मिनल को मिला है, फिर अगर आपने आप थोड़ी देर पहले देखा होगा तो PTY1 फिर PTY2 भी असाइन हो चुका था, लेकिन फिर मैंने PTY1 और PTY2 बंद कर दिया, दो टर्मिनल बंद कर दिए, तो अभी PTY1 इस टर्मिनल को असाइन हो सकते हैं, ठीक है। मैं बंद कर दूंगा तो फिर से PTY1 फ्री हो जाएगा, तो ये दूसरे टर्मिनल को अलाउ कर सकता है। इन शॉर्ट, अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इतना समझो कि कितने भी टर्मिनल आप खोल लो, सारे टर्मिनल की करंटली फाइल नेम डिफरेंट होगी, कि नहीं भी दो फाइल नेम सेम नहीं हो सकती, बस इतना याद रखना अगर ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। अभी
नेक्स्ट कमांड। हाँ, और ये एक सिंपल कमांड है, इसके कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसके कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कमांड का नाम है, ठीक है। टी टी वाई कुछ में आपको यहाँ पे टी टी वाई 01 भी मिलेगा, कुछ जगह पी टी वाई 01 मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम फाइल के नाम चेंज हो सकते हैं, टी टी वाई, पी टी वाई, पी टी टी वाई, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा जो कमांड है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल कमांड, दैट इज़ पी डब्ल्यू डी। पी डब्ल्यू डी का फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। पी डब्ल्यू डी क्या है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये आपको, अगर आप पी डी वाई कमांड टाइप करते हो तो ये आपको, आप करेंटली किस डायरेक्टरी में हो उस डायरेक्टरी का पूरा एड्रेस प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग से लेके। तो मैं फिलहाल करंटली किस डायरेक्टरी में, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, टी वाई लेक्चर्स के अंदर, यूनिक्स में हो, यानी आपकी जो फाइल सिस्टम की हायरार्की है वहाँ से लेके फिलहाल आप किस करंट डायरेक्टरी में हो, ये आपको पूरा का पूरा पाथ के साथ आपकी डायरेक्टरी का नाम देता है। जैसे कि मैं फिर से अभी मैं बाहर निकल जाता हूँ, अभी मैं देखो यूनिक्स वाली डायरेक्टरी से बाहर निकल गया, तो अभी मैं कहूँ डेस्कटॉप के अंदर टी वाई लेक्चर्स के अंदर हूँ। अगर अब मैं पी डब्ल्यू डी प्रेस करूँगा तो क्या आ रहा है भाई? आप सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, टी वाई लेक्चर्स के अंदर हो। कहाँ पे हो? टी वाई लेक्चर्स के अंदर। पहले मैं कहाँ था? टी वाई लेक्चर्स के अंदर भी, यूनिक्स के अंदर था। तो आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे तो एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, तो हमको पी डब्ल्यू डी की ज़रूरत क्या है? तो देखो ये आपको पूरा कंप्लीट पाथ दे रहा है, जबकि ये आपको सिर्फ रिलेटिव पाथ दे रहा है कि आप डेस्कटॉप के अंदर, टी वाई के अंदर हो, या डेस्कटॉप के अंदर, टी वाई के अंदर, यूनिक्स के अंदर हो। लेकिन जब आपको एक पूरा कंप्लीट पाथ चाहिए कि आप पूरी हायरार्की में कहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, तो ये आपको पूरे आपकी हायरार्की से स्टार्टिंग से लेकर आपकी करंट डायरेक्टरी तक का पाथ देता है। कौन? पी डब्ल्यू डी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। एक दो मार्क्स में पूछ सकते हैं, एक मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन पी डब्ल्यू डी। पी डब्ल्यू डी इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल कमांड। पी डब्ल्यू डी के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है और कोई भी यू कैन से ऑप्शंस नहीं है। चलो कुछ और कमांड्स देखते हैं। अब देखो ये कुछ कमांड्स भी आपके, हर सारी की सारी कमांड्स आपके गिट बैश में नहीं चलेगी, सारी कमांड्स आपके गिट बैश में नहीं चलेगी। कुछ बेसिक कमांड्स ऐसी है जो गिट बैश में शायद नहीं चलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ कमांड्स ऐसी है गिट बैश में जो नहीं चलेगी, जिनको परमिशन की ज़रूरत है सिस्टम की। लेकिन टेंशन मत लेना, जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स है, ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट कमांड, ग्रेप, सेड, ऑक, कैट, टी आर टी, टच, ये सारी LS, जितने भी इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी कमांड आपके गिट बैश में चलेगी, ठीक है। तो जो कमांड्स गिट बैश में नहीं चलेगी, मैं आपको ट्राई करूंगा कि उसको प्रैक्टिकली ना तो लेकिन थियोरेटिकली उसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो उसमें से कुछ कमांड्स में से कुछ पहली कमांड है स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट कमांड क्या करती है कि सपोज़ आप जो भी यहाँ पे आउटपुट परफॉर्म कर रहे हो, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आपने LS प्रेस किया, मैंने इको प्रेस किया, या फिर जो भी मैंने बहुत सारे कमांड्स टाइप कर रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट कमांड क्या कर सकता है कि स्क्रिप्ट कमांड क्या करेगा, जैसे आपने स्क्रिप्ट कमांड टाइप किया तो यहाँ पे अभी देखो गिट बैश में नहीं चलेगी स्क्रिप्ट कमांड। लेकिन स्क्रिप्ट कमांड क्या करेगा, अगर आपको नोट करना है कि आप करंट सेशन में क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो आप स्क्रिप्ट कमांड जैसे टाइप करोगे तो यहाँ पे आप जो भी कमांड आप टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल LS मैंने टाइप किया, फिर उसके बाद मैंने CD कमांड टाइप किया, जैसे कि ठीक है, तो मैंने क्लियर कमांड टाइप किया, ये जितनी भी कमांड टाइप मैंने की उनका जो आउटपुट या एरर आया वो सारी के सारी आउटपुट या एरर किसी फाइल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उस फाइल का नाम क्या होगा या फाइल कैसी होगी दिखते हैं। देखो तो जैसे आप स्क्रिप्ट कमांड टाइप करोगे, अगर आप प्रॉपर यूनिक सिस्टम यूज़ कर रहे हो ना, तो स्क्रिप्ट कमांड चलेगा। अब गिट बैश में नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी परमिशंस के इश्यू आते हैं। तो स्क्रिप्ट कमांड जैसे आप टाइप करोगे तो एक मैसेज प्रिंट होगा, स्क्रिप्ट स्टार्टेड, फाइल इज टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्क्रिप्ट कमांड के बाद कि हाँ भैया मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी। अब मैं स्क्रिप्ट को नोट डाउन कर रहा हूँ कि आप क्या क्या लिख रहे हो, या आप उसका और जो भी आप कमांड टाइप कर रहे हो, कौन सी कमांड टाइप कर रहे हो, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसका एरर क्या आ रहा है, मैं सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ। तो ये बताता है आपको मैसेज कि स्क्रिप्ट स्टार्टेड और किस फाइल में स्टोर होगा, टाइप स्क्रिप्ट नाम की फाइल में, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट नाम की फाइल में आपका जो भी आप कमांड टाइप करो उनका आउटपुट टाइप स्क्रिप्ट नाम की फाइल में सेव होने लग जाएगा। और जैसे ही आप चाहते हो कि बस मेरे को अब इससे ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं करना, तो आप कंट्रोल डी दबा दोगे, यानी आप कीबोर्ड पे गए, कंट्रोल, उसके साथ साथ क्या दबा दिया, कंट्रोल के साथ डी, तो आपकी जो भी फाइल्स होती है या जो भी करंट एग्जीक्यूशन टास्क होता है वो टर्मिनेट हो जाता है कंट्रोल डी से। तो उसी तरह से जैसे कि आपने स्क्रिप्ट टाइप स्टार्ट की,
तो स्क्रिप्ट टाइप क्या बोलेगा कि भाई स्क्रिप्ट स्टार्टेड, ठीक है, स्क्रिप्ट स्टार्टेड यानी मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट कर लिया आपके सारी एक्टिविटीज़ को, और मैं एक टाइप स्क्रिप्ट नाम की फाइल में आपकी सारी एक्टिविटीज़ नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहाँ पे एक टाइप स्क्रिप्ट नाम की फाइल में आपकी सारी एक्टिविटीज़ नोट डाउन कर रहा हूँ। फिर आप बोलोगे कि मेरे को 10 कमांड टाइप, सिर्फ 10 कमांड की एक्टिविटीज़ नोट डाउन करनी थी, 10 कमांड और उनके आउटपुट नोट डाउन करने थे, उतना हो गया, बस अब ख़त्म करो, अब मेरे को नहीं नोट डाउन करना, तो आप क्या कंट्रोल और डी प्रेस कर दोगे, कंट्रोल डी दोनों साथ में प्रेस करोगे तो स्क्रिप्ट कमांड अपना एग्जीक्यूशन बंद कर देगी। फिर आप चाहो तो टाइप स्क्रिप्ट नाम की फाइल में से जाके देख सकते हो कि आपने कौन से कमांड टाइप की थी और उसका आउटपुट क्या आया था। अब आप बोलोगे कि सर मुझे अगर अपनी ये टाइप स्क्रिप्ट नाम की फाइल नहीं अपनी नाम की फाइल चाहिए, तो स्क्रिप्ट और माई फाइल, तो अब क्या होगा, स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी और जो भी इन्फॉर्मेशन या एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करोगे वो कहाँ पर नोट डाउन होगी, माई फाइल नाम की फाइल में, यानी आप खुद भी नाम परफॉर्म नाम दे सकते हो, नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट फाइल में हो तो आप नाम स्पेसिफाई मत करो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी पर्टिकुलर गिवन फाइल में हो तो आप उस फाइल का नाम दे दो। अगर जैसे यहाँ पे मैंने माई फाइल दे दिया तो जो भी एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर स्टोर होगी, माई फाइल के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। सो दिस वॉज वन ऑफ द कमांड। तो अभी जितनी भी देखो कमांड्स अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, बेसिकली तीन कमांड्स हैं, जनरल पर्पस कमांड, डायरेक्टरी कमांड्स एंड फाइल कमांड्स। जो जनरल पर्पस कमांड है वो कहीं पे भी किसी भी जनरल पर्पस के यूजेज के लिए, जबकि डायरेक्टरी कमांड सिर्फ डायरेक्टरी पे वर्क करेगी और फाइल कमांड सिर्फ फाइल पे वर्क करेगी। तो अभी जनरल पर्पस ना डायरेक्टरी के लिए होती है ना फाइल के लिए होती है, किसी दूसरे यूज़ के लिए हो सकती है, किसी जनरल यूज़ के लिए हो सकती है। तो अभी जितनी भी हम लोग कमांड्स देख रहे हैं दीज आर जनरल पर्पस कमांड्स। तो हम लोगों ने स्क्रिप्ट कमांड देख ली, अब आता है पासवर्ड। पासवर्ड भी आपका गिट बैश में नहीं चलेगा, जैसे आप पासवर्ड प्रेस करोगे अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो ये पहले बोलेगा आपको करंट पासवर्ड टाइप करो, फिर न्यू पासवर्ड टाइप करो, फिर री टाइप करो और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आई डोंट थिंक आई शुड एक्सप्लेन टू मच। हाँ, एक चीज़ स्क्रिप्ट कमांड में जो रह गई वो ये है कि सपोज मैं फर्स्ट सेशन में आया, मैंने कोई भी स्क्रिप्ट कमांड टाइप की और मैं अपनी कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट कमांड में स्टोर हो रही है, ठीक है, मैंने बंद कर दिया पीसी या मैंने टर्मिनल को लॉग आउट कर दिया, मैं फिर से आया और मैं फिर से स्क्रिप्ट चालू करूंगा, तो जो पुराना डेटा था टाइप हमारी फाइल में, टाइप स्क्रिप्ट का जो टाइप स्क्रिप्ट नाम की फाइल में जो पुराना डेटा था वो हर बार डिलीट हो जाएगा और सिर्फ नए सेशन का डेटा ही आएगा, ठीक है। इतना याद रखना कि हर बार पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा जब भी मैं स्क्रिप्ट कमांड यूज़ करूँगा टाइप स्क्रिप्ट में, और नया डेटा टाइप स्क्रिप्ट में आता जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर मुझे वो पुराना डेटा भी रखना है और जो नया डेटा है वो भी रखना है, तो तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट माइनस ए अपेंड। तो माइनस ए क्या करेगा, अपेंड करेगा, यानी पुराना डेटा रहेगा और उसके साथ साथ नया डेटा रहेगा। लेकिन याद रखना अगर आपने माइनस ए नहीं लिखा तो पुराने सेशन का डेटा रहेगा, पुराने सेशन का डेटा निकल जाएगा, सिर्फ नया डेटा ही रहेगा, और माइनस ए लिखोगे तो पुराना डेटा भी रहेगा और उसके नीचे आपके नए सेशन का डेटा अपेंड होता रहेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट कमांड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एस्पेक्ट से, ना प्रैक्टिकल ना थियोरेटिकल एस्पेक्ट से, अभी तक तो नहीं पूछा। देन देर इज मैन कमांड। मैन कमांड इज ऑल्सो नॉट वर्किंग तो इन दिस थिंग, बट अगर आपको कोई मैनुअल देखना है तो आप मैन कमांड टाइप करके आप कमांड का नेम लिखोगे तो कमांड का पूरा मैनुअल खुल जाएगा, कमांड के कितने ऑप्शंस है, आप कमांड छोटे छोटे एग्जांपल्स खुल जाएंगे कि भाई कुछ में एग्जांपल्स होंगे कुछ में नहीं होंगे। सो मैन कमांड स्टार्ट्स फॉर मैनुअल, मैन कमांड स्टैंड्स फॉर मैनुअल, कि अगर आपको कोई किसी कमांड के बारे में, पर्टिकुलर कमांड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैनुअल कमांड यूज़ कर सकते हो। आप जब भी ओरिजिनल यूनिक्स में यूज़ करोगे तो मैनुअल कमांड प्रेजेंट होगा, गिट बैश में नहीं है। Then there is echo shall be the last tool for today. तो echo में अगर आपको कोई भी डेटा प्रिंट करना है, ठीक है, echo hello, तो you can be using echo hello world. तो you can be using echo, इसमें concatenation operator नहीं है, आप स्ट्रिंग सीधा लिखो और स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाती है, कॉन्कैटिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कॉन्कैटिनेटेड है। अब जो चाहे वो इको में प्रिंट करवा सकते हो। इवन आप हम लोग जब थोड़ा फर्दर एडवांस शेल स्क्रिप्टिंग्स वगैरह देखेंगे तब हम लोग ये भी देखेंगे इको में इंदर इको को यूज़ करके वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से प्रिंट करवानी है, ठीक है। आई एम नॉट शोइंग करंटली ये वेरिएबल्स वगैरह की वैल्यू किस तरह से प्रिंट करवानी है। एक और चीज़, इको के अंदर आप ऑप्शंस भी है, जैसे कि इको में आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड, इको में आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड, लेकिन आपको हेलो और वर्ल्ड स्लैश एन यानी नेक्स्ट लाइन में एस्केप सीक्वेंसेस चाहिए, तो डायरेक्टली अलाउड नहीं है,
अगर आपको इस पे एस्केप सीक्वेंसेस यूज करें तो आप कैपिटल स्मॉल ई लिख सकते हैं, इको स्मॉल ई हेलो स्लैश एन, तो ये क्या करेगा स्लैश एन को यानी आपके बैक स्लैश या एस्केप सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करेगा माइनस ई, और आप चाहते हो कि डिफॉल्ट या फोर्सफुली एस्केप सीक्वेंस एक्टिव ना हो तो माइनस कैपिटल ई लिखो, माइनस कैपिटल ई से क्या होगा एस्केप सीक्वेंसेस आपके एग्जीक्यूट हो गए नहीं एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करें, कोई भी ऑप्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट माइनस ई तो ऑप्शन ई को कंसिडर करेगा ही, तो अगर आप कुछ नहीं स्पेसिफाई करोगे ना तो जो माइनस ई है इट इज़ अ डिफॉल्ट ऑप्शन, माइनस ई क्या है डिफॉल्ट ऑप्शन। अगर आप कोई भी ऑप्शन डिक्लेयर नहीं कर रहे और कोई भी ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहे तो माइनस ई बाय डिफॉल्ट यूज़ होने ही वाला है, तो माइनस ई डिफॉल्ट है। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि स्लैश एन या कोई भी एस्केप सीक्वेंस एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर आपको एस्केप सीक्वेंस एग्जीक्यूट करना है तो माइनस स्मॉल ई यूज़ करना। अब एक ऑप्शन है माइनस एन, मतलब माइनस एन का मतलब क्या है कि आप नेक्स्ट जो भी आप आउटपुट प्रिंट करोगे हमेशा नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अगर आपको नेक्स्ट लाइन में आउटपुट प्रिंट नहीं करना तो आप इको के साथ माइनस एन यूज़ कर सकते हो। माइनस एन मैं अभी नहीं बताऊंगा, माइनस इको के साथ माइनस एन हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग में देखेंगे क्योंकि उसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ तभी समझ आएगा, अभी नॉर्मल कमांड्स में माइनस एन का कोई यूज़ एक्चुअल में नहीं मिलेगा आपको, आप ये सारा काम हम लोग देखेंगे शेल स्क्रिप्टिंग में माइनस एन का, तो माइनस एन में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करता। ओके सो ये सारे एस्केप सीक्वेंसेज है, नोट्स में एक बार पढ़ लेना, ये वही सी वाला ही सारे एस्केप सीक्वेंसेज है। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, कल हम और जनरल पर्पज़ कमांड्स देखेंगे।